इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे डोम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में जिसने कि अपने क्वार्टर वन के नंबर्स को जस्ट अभी डिस्क्लोज कर दिया तो पहले डिस्कस करते हैं कि बीओडी का जो आउटकम है उसमें हमें क्या क्या डिस्कशन आज की मीटिंग में देखने को मिल रहा है तो पहली चीज जो कवर करी है कंपनी ने वो फाइनेंशियल रिजल्ट को लेकर बात करी है जो कि स्टैंडलोन प्लस कंसोलिटेड है जो कि हम इन डिटेल में बात करेंगे उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैचुरी ऑडिटर्स देखने को मिल रहा है और थर्ड पॉइंट एक रिकॉर्ड डेट भी देखने को मिल रही जो कि देख सकते हैं आप 16 सितंबर 2024 एज द रिकॉर्ड डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबल शेयर होल्डर्स जो कि फाइनल डिविडेंड पहले कंपनी ने दिया था तेईस चौबीस फाइनेंशियल ईयर का उसकी रिकॉर्ड डेट सोलह सितंबर उसके बाद फर्दर इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड इन स्कूडो इंडस्ट्रीज देन एक्विजीशन ऑफ यूनिकलैंड हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड तो एक ये एक्विजिशन हमें देखने को मिला जो कि फिफ्टी वन पॉइंट सेवन सेवन परसेंट स्टेक कंपनी ने एक्वायर किया देन उसके बाद एक ऑल्ट्रेशन ऑफ मेन ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी और उसके बाद एजीएम की अनाउंसमेंट जो कि तेईस सितंबर को होने वाली तो टोटल आज के दिन सात पॉइंटर्स कवर किए गए इनकी बी ओडी की मीटिंग में जो कि हमने इन शॉर्ट में बात कर ली तो चलिए सबसे मेन चीज़ की बात करते हैं जो कि है कंपनी के क्वार्टर वन के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स कैसे रहे सारे फिगर लैक्स में इन करोड्स में हम लोग बात करने वाले क्वार्टर वन की अर्निंग से फोर की देन लास्ट ईयर का क्वार्टर वन का डेटा आपको थर्ड कॉलम में देखने को मिलेगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें क्योंकि रिजल्ट पब्लिश होते ही टाइमली अपडेट इस चैनल पर आ जाता है तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें चूकी लास्ट ईयर क्वार्टर वन आपको लास्ट में देखने को मिलेगा तब रिवेन्यू था 379 करोड़ का वो इस बार फोर पे आ गया क्वार्टर वन में और क्वार्टर फोर में 403 का था वो इस बार फोर फोर्टी आ गया तो क्वार्टर प्लस ईयरली दोनों ही जगह काफ़ी अच्छी ग्रोथ है और मार्केट का जो अनुमान था रिवेन्यू को लेके वो 453 करोड़ का था जो कि हमें 8 करोड़ से मिस होता हुआ देखने को मिल रहा है तो रिवेन्यू तो बड़े हैं बट मार्केट एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाए देन उसमें आप अदर इनकम ऐड करेंगे तो आएगी टोटल इनकम जो कि थ्री से 450 पे आ गई क्वार्टरली 409 से फोर फिफ्टी पे तो क्वार्टर प्लस ईयरली दोनों ही जगह में कंपनी की इनकम इस बार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है देन एक्सपेंसेस की बात करें जो कि होते कंपनी के खर्चे यानी कि एक्सपेंसेस कितने रहे जो कि थ्री थर्टी वन से थ्री सेवेंटी सेवन पर आ गए ईयरली और थ्री फोर्टी सिक्स से थ्री सेवेंटी सेवन पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो इनकम बढ़ी तो एक्सपेंसिस भी कंपनी के बढ़ गए देन डिस्कस करते हैं नेट प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट कितना हुआ तो लास्ट ईयर क्वार्टर वन में थर्टी सिक्स करोड़ का प्रॉफिट था वो इस बार फिफ्टी फोर पे आ गया और क्वार्टर फोर में फोर्टी सिक्स करोड़ के प्रॉफिट थे वो इस बार फिफ्टी फोर पे आ गया और मार्केट की जो एस्टिमेशन थी वो थोड़ी कम थी इससे फोर्टी एट करोड़ के अप्रॉक्स थी तो मार्केट एस्टिमेट को इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट काफ़ी अच्छे तरीके से बीट किया और इस बार के प्रॉफिट भी क्वार्टर प्लस ईयरली कंपनी के ज़बरदस्त तरीके से ग्रो किए सेम रिफ्लेक्शन ई में प्रॉफिट बढ़ा तो ई भी सिक्स है एट पे आ गया ईयरली और एट पॉइंट वन पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो जिस तरीके से प्रॉफिट बढ़े सेम ई में भी तेज़ी देखने को मिल रही तो ओवरऑल दोस्तों ये थे डोम्स इंडस्ट्रीज़ के नंबर जो कि काफ़ी अच्छे हैं और मार्केट एस्टिमेट को भी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट कंपनी ने बीट किया तो बिल्कुल एक पॉजिटिव रिएक्शन होगा मार्केट का और शेयर प्राइस में तेज़ी आ सकती है तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ तब तक के लिए बाय